हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और साल 1996 में नासा ने प्लूटो की ये इमेज कैप्चर की थी, जिससे ये पता चला था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट भी शामिल है जो अब तक सभी से अनदेखा था। पर उसके साइज को देखते हुए किसी भी कंट्री की इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आई, इतना छोटा सा जो प्लैनेट था। लेकिन साल 2015 आते आते नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की कुछ ऐसी इमेजेस निकाली जिसे देखकर सारे वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट इसमें अपने आप जाग उठा। प्लूटो के कई सारे राज बाहर आए और प्लूटो एक्सप्लोरेशन का मेन स्पॉट बन गया। तो आखिर वो कौन से इमेजेस थे एग्जैक्टली एंड व्हाट डिड दे डिस्कवर? एंड एट द सेम टाइम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नासा ने ऑलरेडी हबल टेलीस्कोप को भेजा था। सो आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें न्यू होराइजन को वहां पर भेजना पड़ा टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन? इस प्रोब में ऐसी क्या खास बात थी जो इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से अलग प्रूफ कर रही थी? Well, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और प्लूटो का मिस्टीरियस नेचर आज हम जानेंगे आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है What did the New Horizon spacecraft see when it landed on Pluto? चलो फिर शुरू करते हैं उस पल से जिस साल नासा के साइंटिस्ट ने प्लूटो के इमेजेस को देखकर सोलर सिस्टम सेव द बेस्ट फॉर लास्ट इस स्टेटमेंट से स्पेस कम्युनिटी में अलग ही हलचल पैदा कर, क्योंकि प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सोलर सिस्टम में तो आखिरी पोजीशन था ही, एंड इसीलिए सैडली प्लैनेट एक्सप्लोरेशन की दौड़ में इसका नंबर लास्ट में ही आया। इसके पीछे दो वजहें थी, एक तो इसके और सन के बीच की दूरी, और दूसरा आप बिलीव नहीं करोगे क्योंकि प्लूटो को एक अनइंटरेस्टिंग प्लैनेट कंसिडर किया जा रहा था, जिसकी वजह से किसी भी कंट्रीज को इसके रिसर्च के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर कहा जाता है ना, जितना हम एक चीज से दूर भागते हैं वो चीज हमारे उतने ही पास आने लगती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि भले ही वो प्लूटो एक्सप्लोरेशन से दूर भाग रहे थे, लेकिन फिर प्लूटो ने अपने कुछ पेक्यूलियर फीचर्स दिखाए जिसके लालच ने फाइनली नासा को अपनी तरफ खींच लिया। अब तक साल 2015 तक हमारे पास नासा से आई हुई प्लूटो की इकलौती इमेज ये थी, और आई नो ये इमेज बहुत ही ज्यादा ब्लर है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन इसी ब्लर्ड इमेज के सहारे प्लूटो का एग्जिस्टेंस एटलीस्ट वक्त वक्त पर प्रूफ तो हो रहा था। बट डोंट वरी, साल 2015 आते आते इस ब्लर इमेजेस पर से पर्दा हट गया और ये चमत्कार हुआ। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की वजह से, जिसने फाइनली 9 साल के लगातार सफर के बाद हमें प्लूटो के डिस्कवरी से लेकर माउंटेन्स, उसके प्रेसिजन और प्रेजेंट मून तक का सारा कच्चा छिट्टा दुनिया के सामने रख दिया। ये इकलौता ऐसा एक्सप्लोरेशन था जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, ना ही इस एक्सप्लोरेशन के बारे में हमने कभी इमेजिन भी किया था। बट थैंक्स टू नासा, जिनके वजह से हमें प्लूटो के साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता चला। एंड नॉट ओनली दिस, न्यू होराइजन ने अपने 9 साल के सफर में जुपिटर, जुपिटर के मून, वहां पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शंस, कुइपर बेल्ट और सैटर्न के भी इमेजेस भेजे। वेल, निकोला टेस्ला को सैटर्न के मून से एलियंस के सिग्नल मिले थे, बट ऐसा उन्होंने कहा था, तो क्या वो सही था या वो नहीं, ये हमें हाई प्रायोरिटी में जानना था, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट की बात को हम ऐसे ही लाइटली नहीं ले सकते। इन्होंने डीसी से पूरे वर्ल्ड को एसी पर लाया था, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पूरा कैटापुल्ट हो पाया। बाय द वे, यही वो इंसान है जिसके पैदा होते ही दायमा ने कहा था He is the son of darkness. But उनकी माँ ने कहा no way, he is the son of light. और इतिहास गवाह है उन्होंने कितने घरों के चिराग जलाए। But अपने बचपन से लेकर AC के invention और alien signals को detect करने का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। So आखिर क्या क्या challenges उन्होंने face की अपने life में और उन challenges से उन्होंने क्या सीखा, क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे ताकि आप अपनी life को सही direction दे सको? Well, ये सब आपको जानने मिलेगा निकोला टेस्ला की बायोग्राफी में, जो आप सुन सकते हो Kuku FM ऐप पर। Kuku FM ऐप एक ब्रिलियंट ऑडियो फॉर्म लर्निंग ऐप है, जहां पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सोसाइटी एंड कल्चर, नॉलेज, लीडरशिप से डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में। यहाँ पर आपका समय बचाने के लिए बुक समरीज भी अवेलेबल है अच्छे अच्छे बुक्स की, और यहाँ पर 1000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कॉन्टेंट आपको मिलेगा। अब इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे परचेस करोगे तो सिर्फ 199 रुपीज में आपको इसका साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो यूज माई कूपन कोड GS50 एंड स्टिल यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर दिस डिस्काउंट। सो मेरे हिसाब से लर्निंग हैबिट कल्टिवेट करना एक मस्ट है, और Kuku FM में 199 रुपीज में आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो दिस कैन रियली बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर सेल्फ। सो हरी अप नाउ एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और अब फ्रेंड्स, वापस आते हैं हमारे वीडियो पर।
So, अब सवाल ये है कि इस सफल मिशन से उन्हें प्लूटो के बारे में ऐसी कौन सी खास बात पता चली जिसकी वजह से उनका माइंड ही प्लूटो को लेके चेंज हो गया और वो प्लूटो के तारीफों की पुल बांधने लग गए। दरअसल इन फोटोज के हम तक पहुंचने की कहानी शुरू होती है साल 2006 में, जब नासा ने प्लूटो एक्सप्लोरेशन का बेड़ा अपने सर उठा लिया था, जिसके लिए उन्होंने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को एज न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर अ मीडियम बजट स्पेस मिशन। और मीडियम बजट इसीलिए क्योंकि स्पेस एजेंसीज को टोटल बजट में से प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ 2% का ही हिस्सा मिलता है। बेसिकली न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे लॉन्च करने के लिए साइंटिस्टों को कई पापड़ बेलने पड़े। स्पेस कम्युनिटीज को लिटरली मनाना पड़ा था क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ मिशन था जिसमें मीडियम क्लास कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही काम कर रहे थे। उनका इसे लॉन्च करने के पीछे मेन पर्पस था ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, उसके मून्स और क्विपर बेल्ट में मौजूद हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करना। अब अगर आपको नहीं पता क्विपर बेल्ट क्या है तो क्विपर बेल्ट कुछ इस प्रकार दिखता है, सेम एज एन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एक ऐसा रीजन है जो नेपच्यून के 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर हमारे सन के 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक एक्सटेंड होता है। अब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को केप कैनेवेराल फ्लोरिडा से जनवरी 19, 2006 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलकर वो 28 फरवरी 2007 में जुपिटर की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस फ्लाईबाय में इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर और उसके मून्स के साथ साथ उसके रिंग्स के ऑब्जर्वेशंस को अर्थ पर भेजा। वेल, यू समझ लो कि जुपिटर उनका ट्रायल था, जिनसे उन्हें कई सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिली, जिसमें स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया वोल्केनिक इरप्शन ऑन जुपिटर्स मून आयो, ग्लोबल चेंजेस इन जुपिटर्स वेदर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लाउड्स इन एटमॉस्फेयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइटनिंग इन द प्लैनेट्स पोलर रीजंस। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन अभी भी ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें कैप्चर करना स्पेसक्राफ्ट के लिए बाकी था। जुपिटर के स्टडी के बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपना रूट बदल दिया और वो जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के डायरेक्शन में आगे रफ्तार से बढ़ने लगा। और उस राह में भी उनके हाथ आए जुपिटर के टेल में मौजूद एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इन सब एक्सप्लोरेशन के बाद न्यू होराइजन हाइबरनेशन मोड पे चला गया। क्यों? वेल, ये ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे प्लूटो के एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जा रहा था, एंड एज वी ऑल नो प्लूटो और अर्थ के बीच जमीन आसमान से भी ज्यादा डिस्टेंस है, और इसीलिए न्यू होराइजन के सेफ्टी, स्टेबिलिटी और प्रोब इंस्ट्रूमेंट्स में कोई टेक्निकल एरर्स क्रिएट ना हो, इन सब प्रिकॉशंस के लिए वो इन 9 साल की जर्नी में तकरीबन 18 बार हाइबरनेशन मोड पर चला गया था। स्पेसक्राफ्ट का हाइबरनेशन मोड मतलब इस स्पेसक्राफ्ट के मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को पावर ऑफ कर दिया गया था। अब हाइबरनेशन पर रखने के पीछे एक और एक रीजन था, लेस ओवरसाइट, यानी कि आजू बाजू के बाकी के चीजों के इमेजेस कम निकालना। ऐसे ही करते करते फाइनली दिसंबर 6, 2014 में अपनी आखिरी नींद के बाद उसने अपना लास्ट हाइबरनेशन खत्म किया और अपने मेन मिशन के लिए जाग गया, और फाइनली जिस मिशन के लिए गए थे उसका पूरा मुआयना करना शुरू किया। और इसी दौरान उसने प्लूटो की जो जो चीजें ऑब्जर्व की और अर्थ पर भेजी वो सब स्पेक्टैक्युलर थी, जिसमें प्लूटो पर मौजूद माउंटेन रेंजेस, आइस प्लेन्स, ग्लेशियर्स और उसके एटमॉस्फेयर के इमेजेस के साथ प्लूटो के मून्स की पिक्चर्स भी थी। नाउ लेट्स गो इनटू सम डिटेल्स अबाउट व्हाट इट एक्चुअली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस फ्लाईबाय। नंबर वन, फर्स्ट इमेज है ये प्लूटो का बिगेस्ट विजिबल फीचर, हार्ट शेप्ड सी, जिसका नाम रखा गया स्पुटनिक प्लेनिशिया। बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखने में हार्ट शेप्ड है, असल में इसकी एक बूंद भी तुम्हारा गला घोट सकती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये ओशियन फ्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बना हुआ है। स्पुटनिक प्लेनिशिया का करंट पोजीशन और फीचर कोई एक्सीडेंट नहीं है, इट्स अ कोल्ड ट्रैप जिसमें नाइट्रोजन आइसेस एक्यूमुलेट होकर 4 किलोमीटर मोटी आइस शीट जमीन पर फॉर्म हुई दिखाई दे रही है, और ये बर्फ की चादर मोस्टली प्लूटो के नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा दिखाई देती है। और इस पर थोड़ा और जूम करने से दिखाई देते हैं प्लूटो पर मौजूद माउंटेन्स और वैलीज, जो मोस्टली फॉर्म हुए हैं वाटर, आइस और मीथेन गैस से। लेकिन इन सब प्रोसेस और इवेंट की फॉर्मेशन की वजह से प्लूटो की सरफेस पर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसे गौर से देखोगे तो आपको समझेगा कि ये बिल्कुल सेल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब साइंटिस्टों का मानना यह है कि ये आइस फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आगे भी माउंटेन्स और प्लेन सर्फेसिस पर एक्यूमुलेट होने वाले हैं, जिसकी वजह से शायद आगे जाकर प्लूटो फिर एक बार खुद को रीओरियंट कर सकता है, मतलब फ्यूचर में हमें नया प्लूटो देखने के चांसेस भी है, और शायद उसके एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, हम जानते हैं कि इंसान कभी भी कोई चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं रहता है, और अगर ये नहीं किया तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज एक्सप्लोरेशन लीड्स टू इनोवेशन, मतलब एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। अब बात करते हैं सेकेंड इमेज की,
गैदर्ड आइस इकलौता ऐसा फीचर नहीं है जो प्लूटो का साइज समय समय पर चेंज कर रहा है। उसके साथ एक और एक चीज है और वो है हेवियर मास बीनीथ इट। और साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि ये हेवियर मास शायद वाटर ओशन है, बट जैसे मैंने पहले ही बताया ये सिर्फ सस्पेक्ट किया गया है, अब तक इस बात को कंफर्म करना बाकी है। अब तक सिर्फ इतना हमें पता चला है कि ये लिक्विड ओशन प्लूटो के रैपिड और वॉयलेंट फॉर्मेशन दौरान क्रिएट हुआ है, यानी कि आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज अंडरग्राउंड लिक्विड ओशन की वजह से प्लूटो मे बी अभी भी टेक्टोनिकली एक्टिव है, पर ऐसा कहा गया है कि प्रोबेबली आज के तारीख में वो सरफेस से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन पास्ट में इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी जरूर हुई थी, विच इज कॉल्ड क्रायो वोल्केनिज्म। नेक्स्ट है ये दो माउंटेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है टू लार्जेस्ट माउंटेन्स ऑफ प्लूटो, राइट मॉन्स और पिकर्ड मॉन्स। ये जितने ऊंचे हैं वो उतने ही गहरे भी हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को लग रहा है कि प्रॉब्ली ये दो माउंटेन्स क्रायो वोल्केनोस के मुंह है, जिनसे आज भी कोल्ड स्लशी क्रायो लावा बाहर निकलता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लूटो में आपको ये छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये गड्ढे फॉर्म हुए हैं नाइट्रोजन आइसेस के सब्लिमेशन प्रोसेस से। ये पीसेस ऑफ आइस सीधा आइस टू वेपर कन्वर्ट हुए हैं, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, और वेपराइजेशन के थोड़े समय ही बाद फिर से एक बार फ्रीज होने की वजह से ये हमें ऐसे दिखाई दे रहे थे। पर रिसर्च में हमें सिर्फ प्लूटो के बारे में ही नहीं पता चला, उसके साथ उन्होंने प्लूटो के सराउंडिंग में भी काफी सारे रिसर्च किए, जिसमें उनके हाथ लगा ये एस्टेरॉइड। इस एस्टेरॉइड को जैसे आप देख सकते हो, अल्टिमा थूल नाम है इसका। ये दो स्पेरिकल रेड कलर्ड लोब से बना हुआ है। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पहले दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते गए और एक कॉमन बॉडी बन गए। और शायद ऐसे ही और भी ऑब्जेक्ट्स हमें फ्यूचर में दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस मिशन को 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। अब फ्रेंड्स, कुछ ही सालों में न्यू होराइजन स्पेस प्रोब ने इतने सारे ब्रिलियंट डिस्कवरीज किए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आगे आने वाले सालों में भी ये दूसरे प्लैनेट्स और ऐसे ही स्पेस ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरीज कर पाएगा? वेल, आपको क्या लगता है? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। नए उस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल, के ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहां पर रेगुलरली देखते मिलेगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में परचेस करना मत भूलना। ऑफर इज ऑनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 रजिस्टर्स, तो क्लिक on the link in the description below ya play store se app download karke mera code use karo. With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.